पेपरमेंट, डेट्स एंड नट्स, यहाँ पर हर तरह के खजूर हैं जो अरब कंट्रीज से, ईरान से आए, और यहाँ पर अंजीर, जैतून का तेल, हर तरह के सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी आइटम्स खाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। यह दुकान खंजर गली दरगाह के बिल्कुल बाजू में, शालीमार होटल के बिल्कुल पीछे, हरमैन डेट्स एंड नट्स, सेहत के लिए यहाँ पर आना न भूलिए। आदाब, मैं जमील अहमद, ये प्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज़ है। आइए देखते हैं इस वक्त की अहम खबर क्या है। इस वक्त की अहम खबर कर्नाटका के शहर बेलगावी से है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के जरिए से कई सारे जो है पोस्ट का जो ऐलान किया जा रहा है, जिसमें खासकर माइनॉरिटीज़ के पोस्ट का ऐलान किया जा रहा है, ताकि लोग अपने अपने पोस्ट लेकर जिस तरह से उन्हें दिए जाएंगे, जिसमें जनरल सेक्रेटरी है और भी बहुत सारे पोस्ट इस वक्त माइनॉरिटीज़ कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं, ताकि आने वाले इलेक्शन में लोग पूरी दिलचस्पी के साथ और पूरी मेहनत के साथ काम करें और कांग्रेस पार्टी को इस वक्त 2023 इलेक्शन में कर्नाटक में जीत हासिल कर सकें। ऐसे मौके पर एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही मेहनत करने वाले, कई सालों से कांग्रेस पार्टी में हैं, कम से कम 20 साल से भी ज़्यादा, एक ऐसे शख्सियत जिनका नाम रसूल मुल्ला है, मोहम्मद रसूल मुल्ला इनका नाम है। इन्होंने काफ़ी जद्दोजहद कांग्रेस में की है, तमाम लीडरों के साथ इन्होंने रहा है, जिसमें फैरोज सेठ है, राजू सेठ है, सतीश जारकेवाली है, और बहुत सारे लीडरों के साथ इन्होंने रहकर कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे खिदमात अंजाम दिए हैं। ऐसे शख्स को आज कर्नाटका माइनॉरिटीज़ पार्टी की तरफ से उन्हें जो है कर्नाटका स्टेट का जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट दिया गया है, ताकि उनका एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज पूरे लोगों में काम आ सके और लोगों तक पहुंच सके, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को काफ़ी फ़ायदा होगा। ऐसे संदर्भ में इन्होंने तमाम लीडरों से मुलाकात की और तमाम लीडरों का शुक्रिया अदा किया, और बड़ी खुशी का इजहार करते हुए इन्होंने कहा कि मैं जो है हमेशा पार्टी के लिए काम करता हुआ आया हूँ, कांग्रेस पार्टी के लिए, अब भी मैं कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी दिलो जान से काम करूंगा, और 2023 का इलेक्शन जो है ये कांग्रेस पार्टी के हक में होगा और कर्नाटका में ज़रूर कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनेगी। इसी बात को लेकर हम सब मिलकर इसी कोशिश में है, और ये जो पोस्ट हमें दिए गए हैं हम उसका एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं, और उसी के साथ साथ हम इस पोस्ट की कदर करते हुए पूरी जद्दोजहद के साथ, पूरी मेहनत के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे, और इसका बोलबाला कर्नाटक में हम ज़रूर दिखाएंगे, और आने वाला दौर जो है इस वक्त कर्नाटका में कांग्रेस का दौर होगा और हिंदुस्तान में भी कांग्रेस का दौर शुरू होगा। यही सोच को लेकर जो है बहुत सारी कोशिश में लगे हुए हैं रसूल मुल्ला साहब, और इनकी सोच को सब लोगों ने दाद दिया है, और ये सोच जो है एक दिन इस मकाम पर पहुंचेगी कि सचमुच कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी का दौर होगा। आइए देखते हैं। खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए।